अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा जी, चैनल पर पहुंच चुके हुए हैं और चैनल की सिचुएशन आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम हमारे थोड़ा ख़राब चल रहे हैं। ये मुर्गा हमारा बीमार है, उसके साथ जो वो पट्टियाँ थी उनमें से एक पट्टी मर भी गई है, दूसरी भी, दोनों बीमार हैं। अभी अभी इसको इंजेक्शन लगा के इसका ट्रीटमेंट किया, ये बड़ा मसला बना हुआ। ये पिंजरा जी हमने बाहर निकाल दिया, पट्टियों को जो है वो बच्चों को अंदर खुला छोड़ दिया। ये देखें, अभी इनके कमरे की कोई सेटिंग मेटिंग करते हैं दोबारा। चेतन साहब जी बाहर निकाले हुए, हसबे मामूल पंगे ले रहे हैं जी, वो कभी इधर कभी उधर। मस्तू सामने, और ये जी इधर बसंती डीजल ब्रूटस जी कैंड अस्पताल में अभी तक वो सेट नहीं हुआ। उसकी हालत जो है वो बिल्कुल सेट नहीं है अभी तक, वो उल्टियाँ नहीं रुक रही उसकी। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उम्मीद है, देखते हैं आज। क्रिटिकल कंडीशन में, सही हालत में नहीं है वो। बच्चों वाली बकरी जो है वो आ गई है कैनल के अंदर वापस, सारे बाहर से वापस आ रहे हैं एक एक करके। मुर्गा हमारा जी अभी तक टीका शिका तो लगा दिया इसको, लेकिन ठीक नहीं हुआ। काटता तो अभी भी है, लेकिन अंदर से आवाज़ें आ रही हैं इसके, बहुत ख़तरनाक सी। ये जी बकरियाँ, ये अब तो नहीं खुलती? नहीं नहीं, बाकी सारा माल बाहर है। ये जी आप लोगों को थोड़ा सा दर्शन इसके भी दे रहे हैं, ये अपना हाल क्या बनाएगा। इसको जी कल निकालेंगे, सर्विस करेंगे इसको। बस ये बीमारियों ने तंग किया, बस मुर्गों की ब्रूटस की टेंशन है। ब्रूटस कह रहे हैं, डॉक्टर से भी रब्ता हुआ है, सेट हुआ है पहले से। बाकी मस्तू ये इधर था, वापस उधर करेंगे जी। जेरी को देखें, लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया इसको। आ जाओ। ये जी बकरियों के बच्चे देखें जी आप, कपड़े गंदे हो गए सारे। ये जी दोस्तों, मस्तू को इस तरफ कर दिया था, लेकिन मस्तू जो है ना वो यहाँ पे हमें नहीं समझ आ रहा, तो इसको हम वापस उसी साइड पे कर रहे हैं पीछे। जहांगीर साहब भी जा रहे हैं ईद पे मनाने, अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं। हमारी डेरे के काम करने में लगेगी फुल वाली सेटिंग बना रहे हैं। देख इसको पड़े पे तो नहीं है। मस्तू साहब जी दिन ब दिन तगड़े कुत्ता बनता जा रहा है ना, पड़े हुए लग रहा है, पड़े हुए ना। हाँ, इसको दोबारा लगाते हैं वो। ये जी मस्तू वापस इधर ही कर रहे हैं, लंबी कर दे रस्सी इसकी इस बार थोड़ी, ताकि नहीं नहीं थोड़ी लंबी और कर, थोड़ी और लंबी कर बस। यहाँ पे शेरू को निकाल रहे हैं ज़रा बाहर, पेचे भी साफ करने वाला था, और साथ में ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, साथ में हम खुद ऊपर आके बैठ गए जी, क्योंकि वो वरना हमें तंग करेगा।
ये डीजल को देखें जी, आप क्या कर रहे हैं, फिर पागलों में लेकर क्या कर रहे हैं, जैसे वो बता उसका क्या बिगाड़ लेगा। ए चुप चुप चुप। अच्छा जी, जहांगीर साहब जी आज जा रहे हैं जी ईद मनाने, ईद के ऊपर हम फुल टाइम फंसे हुए होंगे यहाँ पे। जहांगीर साहब बड़ी ईद हमारे पास गुजारते हैं, और एक ईद उनकी है और एक ईद हमारी है, ये वाला सिस्टम है जी। आज उन्होंने ईद के लिए चले जाना है, उनका रोजा वो अपने गले में रखेंगे, और फिर ईद के बाद चार पाँच दिन गुजार के आएंगे, तब तक खुद ही हमारा देखेंगे सब कुछ, साथ साथ वीडियो भी बनाते रहेंगे कि अकेले संभालना कितना मुश्किल काम है। सारा कुछ जो आज का सिस्टम है ना, वो हमारा हो चुका है, और आज के बाद हमारी ऐसी ख़त्म हो गई है। ये देख लेंगे, ये भी बड़ी ऐसी करते हैं नासिर साहब, आज से ये भी फंस गए हैं और मैं भी फंस गया हूँ, ठीक है जी, क्योंकि ये जहांगीर का ही काम है जो कर लेता है, हमारे बस का काम नहीं है ये खाली। तो जब तक ये वापस नहीं आएगा, हमारा प्रोग्राम फुल वाला बड़ा रहेगा। 5 दिन की ख्वारी है जी, वो हम करेंगे, कोई मसला नहीं है जी, करनी चाहिए। अच्छा जी, जहांगीर साहब जो हैं वो चले गए हुए हैं, अब हम खुद ही हैं चैनल पर आ गए हैं। ये हामिद साहब मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। ये इधर दो मुर्गे हैं, पानी की जरूरत, पानी वो बाल्टी में, वो बाल्टी है बड़ी। ये दो मुर्गे यहाँ हैं और अंदर, इनको तो नहीं डाला ना बाजरा तीनों को? नहीं नहीं, उनको रोटी अंदर भी हैं, कबूतर कमरे में, कमरे वो सामने ऊपर कमरे में, उनको दे दे। तू मुर्गों को पहले डालना, कबूतरों को एंड में डालेंगे। ये जी नासिर साहब भी आ गए जी माल लेके। ये तू गाड़ी में से निकाल लाया सारा? नहीं, चार दो पैकेट रखे हैं, बस एक भी वापस जाएगा, उधर रख। हाँ ये वाला डाल देंगे ना अभी, ये वाला रख, गाड़ी में रख लेंगे। ये जी इनकी ड्यूटी लगाई है चिकन लाने की, आज आखिरी रोज़ा है, कल से तो खैर वो वाली टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने अभी फीड डाली है जी बकरियों को, आप लोगों के सामने अभी मैं बकरों को डालने लगा। ये जी फीड डाल रहे हैं, ये फीड का जी बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसकी भी आगे आप लोगों को अहमियत बताएंगे। अभी ये बस काम ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी। इधर आओ जी, सबको हमने फीड डाल दी है उनके हिसाब से, ये फीड थोड़ी थोड़ी डालनी होती है जी, बाकी निशान विशान भी देखते हैं। हाँ जी ये जी इनको ऊपर बांधेंगे दोनों जर्मन शेफर्ड को। ये दरवाज़ा बंद कर दे, ये वाला कुत्ता तेरे पास नहीं आएगा, आगे कोई ब्लॉक से ला के रख दे। हाँ बस ये जी पप्पी को बाहर निकाला है, पानी छाना डाला है, इनको खाना छाना डाला है। हम अब तेज़ी में काम कर रहे हैं जी आज। मुर्गा तो ठीक है यार, माशाल्लाह है, मुर्गे को मैंने रात को अंदर कर दिया था, 10 बजे मैं जब आया था ना, मैंने इनको अंदर कर दिया था। ये जी जहांगीर के ना होने का नुकसान ये है कि मस्तू साहब ने अपना रस्सा फंसाया। यहाँ से मुझे कोई चीज़ पकड़ा ज़रा, ये हजबर की मिल गया। पीछे 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 मस्तू मस्तू सर, मस्तू है ना फिर सर जी, मस्तू ना कहता है मैं उधर नहीं जाने दूंगा। मस्तू साहब हम जाएंगे, हम वहां जाएंगे। मस्तू ने जी 1 मिनट में हमारा रोजा भी खराब कर दिया है, मिट्टी सुंगा सुंगा के हमें। कैसा बना जी?
हेलो कोई बताओ तो सही। पेट जा रहे भी बहुत अच्छा। हो कुत्ते में आहिस्ता आहिस्ता आगे क्वालिटियाँ बनना शुरू हुई हैं अब। मस्तू भी, मस्तू नाम भी इसी वजह से रखा था हमने, मस्तू बहुत मस्त है हद से ज़्यादा। ये देखें जी बर्तन का हाल, इसका मिट्टी से भर दिया सारा बर्तन, सबके कमरों में स्क्रैपर से गंद उठा दी हमने। पानी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम कल हल करके सारी ये नाली शाली को भी धो लेंगे, कल ईद का दिन है जो। और ये देखिए इसके काम चेक करें आप, पीछे हो जाओ मैं बाहर नहीं निकालूंगा। हमारा अंदर आने का नुकसान देखेंगे एक मिनट में, ओवर एक्साइटेड हो गई है। इसने भी देखी क्या अभी कर दोस्तों, बकरियों ने अपनी फीड ख़त्म कर ली है और इनको एक एक गिलास और डालते हैं जी। ओए क्या हाँ उसको मारा था ना, हाँ और लेकिन इसकी वजह से अस्पताल नहीं पहुंचा वो, उसको उल्टियां नहीं रुक रही उसकी। अच्छा हाँ। ये जी दोस्तों बकरी जो सुई हुई बकरी है बच्चों के साथ, उसके बच्चे अभी इसे हटा कर इधर किए, सारा दिन रात इसी के साथ रहते हैं। अभी इसका खाना तैयार कर रहा हूँ जी, इसके खाने के अंदर हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, बस ये ऑयल भी है जी साथ में। इनके बारे में भी आपको किसी दिन नॉलेज देंगे, मदर केयर ऑयल है ये। ये जी इसका खाना हमने कर दिया रेडी, दूसरी बकरियों के लिए भी रेडी कर दें अभी। उनको ऑयल वाला फार्मूला भी हमने नहीं डाला, वो देना रहता है बस। तो अभी उन्हें ऑयल वाला फार्मूला देते हैं जी। ये जी डेली की रूटीन है हमारी जो कि अब से चलेगी आगे जब तक जहांगीर नहीं आ जाता। ये जी उनके लिए भी तेल डाल रहे हैं ताकि उनको भी खिला सके। मुश्किल काम है जी, आसान काम नहीं होता ये, जब भी आपके पास लवाजम नहीं होता फिर ये सब कुछ करना पड़ता है, शौक ऐसे नहीं किए जाते। हमने अपनी एक ईद हम अपनी कुर्बान करते हैं, एक ईद हमारी जहांगीर हमारी जगह कुर्बान करता है, बड़ी ईद हमारे पास गुजारता है। मेहनती है जी बहुत, बड़ा शौक से जानवरों को पाला है उसने, सारे जानवर आपके सामने हैं। हमारा थोड़ा निज़ाम इंशाल्लाह आगे बेहतर करेंगे, ज़रा सेटिंग मेटिंग बनाएंगे नई अच्छी खूबसूरत। ये मुर्गे का इलाज कर रहे हैं चोई साहब, और ये खान साहब जो है ना मुर्गे से डर रहे हैं, मुर्गा उनको जीने नहीं दे रहा। इधर आओ और पानी पी ले, दवाई देनी है तुझे, कैसी अजीब हरकतें करता है। गुस्सा ही बहुत है ना, गुस्सा बहुत है उसके अंदर। भूली कुत्तों वाले डेरे पे वही मुर्गा, वो अपनी अकड़ होनी चाहिए एक, वो क्या मुर्गा कोई भी पकड़ ले तेरे जैसा फिल्म। इस पे तो चपेड़े बनती हैं इसकी। कमीने मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देखो जी ये कुत्ते से बड़ा चाक इसको मुर्गे ने मारा है।
इसका भी अब पीछे लगवाना पड़ेगा भाई। क्या करें यार, करवाना पड़ेगा ये जी। पहले ही बाल्टी रखनी चाहिए थी आगे। यार तुझे तो बड़ा जोर से चाक मारा है, इतनी जोर से कब चाक मारते हैं मुर्गे? यार ये किंग का बासी भी इस टाइम जो मेरी हालत है ना, वो आपको नहीं पता, मेरे पसीने निकले हुए हैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा شدید قسم کا درد کر رہا ہے لیکن برداشت کر نہیں پا رہا ہوں۔ استاد جی کیا ہو گیا، گولیاں لگتی رہتی ہیں، اس کی درد نہیں ہوتی، مرغے کی درد ہو رہی ہے تمہیں؟ گولی کا درد نہیں ہوتا لیکن اس کا درد ہوتا ہے، اس کا درد ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس کو مرغے نے کاٹا گیا ہے ایک بار، دوبارہ اس کو گولی دینی تھی۔ ایک دفعہ کاٹا جی، دوسرا کاٹا اور درد ایسے ہو رہے جس طرح ڈوگی کاٹ جائے، ڈوگی کاٹ جائے۔ اور یہ کہہ رہا ہے جی مجھے ٹیٹرس کا ٹیکا لگوانا پڑے گا۔ یہ دیکھو ادھر، یہ دیکھو، یہ نشان دیکھو، یہ دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہو، یہ دانت اندر کھوبے میں پانچ سات سال پرانے نشان ہیں۔ یہ دیکھو آپ کو میں جا کے یہ دیکھو لگوا کے آتے ہیں، ٹیکے لگا کے پاؤں پٹ کے اوپر۔ یہ جی آج کا ہمارا کام جو ہے نا آدھے سے زیادہ ختم ہو چکا ہے۔ کل اصل کام ہم نے کرنا ہے، مشن ہمارا یہ ہے کہ یہاں آگے ایک دوست کے پاس بور ہے، اسے پانی لینا ہے، پائپ لگا کر اور ڈیرے کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے۔ آج امید تو یہی لگ رہی ہے کہ آج آخری روزہ ہے، کل جو ہے وہ عید ہوگی، کل بھائی بھی میرا فری ہو چکا ہوگا، وہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ اور کل نظر آئے گا تو دوائی دینے کے لیے آ جائیں، باقی تو کسی چکر میں نہیں آئے گا تو۔ ہاں چلو کل کا کل دیکھیں گے۔ یہ جی ان کو بھی کھانا شانا ڈال دیا ہے جی دوستو، سارے جانوروں کو کھانا شانا ڈال دیا ہے، کپڑوں کی حالت آپ کے سامنے، پانی لسی سب پلا دیا ہم نے۔ ٹیم نے مل کر صحیح کام کیا ہے، جب تک اب نہیں آتا یہ کام تو ہمیں خود کرنا پڑے گا سارا۔